आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट। इन दिनों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई साउथ की फिल्मों के हिंदी रीमेक बनने जा रही है, जिसका हाल ही में ऐलान भी किया गया है। इस बीच खबर सामने आई थी कि जल्द ही साल 2005 में रिलीज हुई साइको थ्रिलर फिल्म अनियन का हिंदी रीमेक बनने वाला है, जिसके लिए मेकर ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बता दें कि बीते दिन फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर ने अभिनेता रणवीर सिंह के साथ फिल्म को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था, हालांकि इसके बाद लगातार विवाद भी हो रहा है। खबरों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म अनियन की हिंदी रीमेक को लेकर जो विवाद हो रहा है वो प्रोड्यूसर वी रविचंद्रन और एस शंकर के बीच हो रहा है। रविचंद्रन शुरू से कह रहे हैं कि फिल्म पर उनका एक अधिकार है और वो शंकर को एक फिल्म के रीमेक के लिए स्वीकृति नहीं देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर वी रविचंद्रन ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। हाल ही में खास बातचीत के दौरान रविचंद्रन ने फिल्म के रीमेक को लेकर बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साउथ इंडियन फिल्म बैनर ने मुझे एक लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि फिल्म के सभी राइट्स प्रोड्यूसर के होते हैं। मैं ये लेटर शंकर और बाकियों को भेजूंगा। रविचंद्रन ने ये भी कहा है कि वो बड़े स्तर पर फिल्म का रीमेक बना रहे हैं। इसमें एक बॉलीवुड और एक इंटरनेशनल कलाकार भी शामिल है। ये हिंदी और इंग्लिश में की जाएगी। साथ ही ये भी कहा है कि फिल्म को लेकर बातचीत तय हो जाए, इसके बाद वो आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान भी कर देंगे। Thank you so much for watching for more entertainment news.